मौला रे मौला रे, कैसा इम्तिहान है। भाई सारी लाइट्स ऑफ क्यों है? ये घर में अंधेरा क्यों है? सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आए ना पापा प्लीज। अरे अभी तो आपके लिए एक और सरप्राइज है, आंखें बंद कीजिए। एक और सरप्राइज? पर तुम लोग तो जानते मुझे सरप्राइजेस पसंद ही नहीं है। पापा प्लीज बंद कीजिए ना आंखें। ठीक है भाई, लो कर ली बंद। आ जाए, आके खोले। हैप्पी एनिवर्सरी हामिद। मुबारक हो हामिद साहब, आपके इस बार भी बेटी पैदा हुई है, मगर अफसोस आपकी बेगम आइंदा कभी माँ नहीं बन सकेंगी। जान घबराते थोड़ी है, इधर बैठो, रिलैक्स करो, यहाँ बैठो। सब ठीक हो जाएगा जान। कैसे ठीक हो जाएगा मरियम आंटी, हमेशा से इस घर में यही सब कुछ होता है। मैंने कहा था मामा और जारा से कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पापा को अच्छा नहीं लगेगा ये सारा सेलिब्रेशन। ये सारी गलती अहमद अंकल की है। हाँ ये तो है, लेकिन अहमद अंकल तो तुम्हारी मामा की हर खुशी का ख्याल रखते हैं ना। मगर क्यों, जब पापा को ये सब कुछ पसंद नहीं है तो अहमद अंकल मामा का इतना ख्याल क्यों रखते हैं? मेरी इतनी मजाल, तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। अच्छा फिर कल रात को ही मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज। अगर ऐसी खुश अखलाकी का मुजाहरा बाहर सबके सामने कर लेते तो क्या जाता आपका? अंबर, अहमर, मरियम, आपकी बेटियां, सबके सामने मेरी थोड़ी इज्जत ही रख लेते। सब आपका कब से इंतजार कर रहे थे। तो मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया ना? अहमर, मरियम, अंबर सब तुम्हारे फर्स्ट कजिन्स हैं, उनके साथ मजे लो, मेरे लिए क्यों इंतजार करती हो? इंतजार सिर्फ मैं नहीं, आपकी बेटियां भी कर रही थी। हमारी शादी की सालगिरह है, आपके बगैर कैसे सेलिब्रेट करते? शादी? मैं उस मनहूस दिन को सेलिब्रेट करके अपनी अजियत में इजाफा नहीं डालना चाहता। प्लीज ऐसा मत कहिए हामिद, जीनिया की पैदाइश के बाद से मैं आपका ये एटीट्यूड बर्दाश्त कर रही हूँ। बच्चियों की खातिर सस्ती समझती हूँ, हंसती मुस्कुराती रहती हूँ,
सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटियां एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। बस बेटियां बेटियां बेटियां, अरे नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी बेटियों से। सवा दो बेटियों की जगह एक बेटा ही दे देती तो सारी जिंदगी तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखता। इस छोटी बेटी की पैदाइश के बाद मेरी नफरत परवान इसीलिए चढ़ी है क्योंकि हमेशा डॉक्टर के अल्फाज कान में गूंजते हैं कि बहुत मुबारक हो सर, आपको एक और बेटी हुई है। लेकिन अफसोस कि आपकी बीवी तुम्हारा मां नहीं बन सकती। तुम्ही ने मेरी खुशियों और आरज़ू पर ताला लगाया है सभा, तुम्ही ने। दोबारा मां ना पटकर और बांझ होकर इस घर से लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को मार लूं, कहीं दूर चली जाए इस घर से और जान छूट जाए मेरी सब इस लड़ाई झगड़े से। पागल हो जाऊंगी मैं, यहाँ रह के नहीं रहूंगी, मैं यहाँ चली जाऊंगी, मैं खुद को मार लूंगी, कुछ कर लूंगी मैं खुद के साथ। सीनू क्या हो गया है, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जारा, जो बिगड़ा है वो और बिगड़ता जाएगा, ये घर टूट जाएगा, हम सब बिगड़ जाएंगे। क्या हो गया जीनू, ऐसे क्यों सोच रही हो? इतने अरसे में घर नहीं टूटा, अब क्यों टूटेगा? अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा जारा। तुमने देखा नहीं मामा का सबर जवाब देता जा रहा है, वो भी पापा को जवाब देने लगी, उन पर चीखने लगी है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तुम्हारा दिमाग ठीक है, मामा के सबर की भी हद होती है। कब तक सारे दुख दिल में छुपा कर मुस्कुराती रहेंगी वो? अहमर अंकल, अंबर आंटी, मरियम आंटी ना होते ना, कब की मर चुकी होती हमारी माँ। नहीं जारा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, हमारी मामा को इन तीनों के खुलूस ने जिंदा रखा हुआ है। अब बस कर दो और रिलैक्स करो। इतने खामोश क्यों है अहमर? क्या बोलू, जीनिया और जारा का सोच सोच कर परेशान है कि दोनों का क्या बनेगा। वैसे ये सोचना तो हामिद भाई का काम है, मुझे सभा के बारे में सोचकर बहुत तरस आता है। हम सब कजिन में सभा सबसे ज्यादा हंसने खेलने वाली शोख और चंचल लड़की थी, कितना मजाक उड़ाती थी सबका, और तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी। हाँ माजी था, गुजर गया, दोहराने का क्या फायदा। दोहराते तो तुम भी हो गए, मेरा मतलब है माजी तो इंसान के साथ उसकी कब्र तक जाता है, कभी नाकाम आरजू बनकर और कभी नाकाम मोहब्बत की अजियत बनकर। मामा, जीनिया दिन ब दिन बहुत सेंसिटिव होती जा रही है, मुझे डर है कि कहीं सहनी मरीज ही ना हो जाए। अल्लाह ना करे, ये सब कुछ मैं तुम दोनों के लिए ही तो बर्दाश्त कर रही हूँ। मामा, सीनू बहुत खौफजदा है कि कहीं आपका और पापा का रिश्ता ना टूट जाए, हमारी फैमिली बिखर ना जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो जारा, औरत की जिंदगी में दो ही मर्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक उसका बाप और दूसरा शौहर। मैं तुम लोगों के सर से बाप का साया कभी नहीं उठने दूंगी और अपने आप को भी अपने शौहर के तहफ़ुज़ से अलग नहीं होने दूंगी। तहफ़ुज़? पापा आपका तहफ़ुज़ है क्या? मेरा तो यही ईमान है। कल अहमर अंकल ने इनवाइट किया है डिनर पे और आप जरूर जाएंगे। अरे मामा, आप इतनी जल्दी आ गई तो और क्या करती वहां पे? और तू बाप, तुम्हें पता है कि सुबह तुम्हारा टेस्ट है और तुम अभी भी टीवी देख रही हो, म्यूजिक सुन रही हो, पढ़ाई में तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। मैं तो तंग आ गई हूं तुम्हारे इस नॉन सीरियस बिहेवियर से। मामा क्या बात है, क्या आज फिर हामिद अंकल और सभा आंटी के झगड़े ने फंक्शन डिस्टर्ब कर दिया? अच्छा हुआ मैं नहीं गई। ओ माय गॉड, सबक कैसे जिंदगी गुजार रही है ऐसे शख्स के साथ? मुझे तो यकीन नहीं आता, इतनी जिल्लत बर्दाश्त करती है हामिद के हाथों। उसकी जगह अगर मैं होती ना तो
तो कब की तलाक ले चुकी होती ऐसे शख्स से मैं। मामा ये जो ब्रोकन फैमिली होती है ना, ये बहुत बुरी होती है। इसलिए तो बेचारी जीनू भी हमेशा परेशान रहती है कि कहीं उसके पेरेंट्स जुदा ना हो जाए। क्या जीनिया ये सब तुमसे डिस्कस करती है? नहीं नहीं मामा, वो मैंने बस फील किया है। हमारी कॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, तुम सारी लाइटें बंद कर देना और बाहर का दरवाजा लॉक करके सो जाओ। मैं भी सोने जा रही हूँ। अहमद ने ना आज डिनर पे हम सबको इनवाइट किया है, आप चलेंगे ना साथ? तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा सकता। मगर आपके बगैर तो ठीक है ना मामा, पापा ने कह दिया है, हम पापा के बगैर मैनेज कर सकते हैं, हम चले जाएंगे। मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। क्या मुसीबत, उठ जाए, आपको देर हो रही है। तुम भी कितनी सली डेट हो, मुझे तो लगा कि कल रात के बाद तुम कभी मुझसे बात ही नहीं करोगी। ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी बेटियों के बाप हैं। वही तो मसला है, बेटियां। अब खड़ी क्यों, आप पाओ दबाओ। ये रखो। हमें तो आपने तो खर्चे के पैसे और कम कर दिए। गनीमत है कि ये भी दे रहा हूँ, खर्चे और कम कर दिए। अगर इसमें मैं गुजारा कैसे करूंगी, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, महंगाई भी बहुत हो गई है, यूटिलिटी के बिल्स हैं, मासियों की तनख्वाहें हैं, और फिर बच्चियों की फीस भी तो जानी है। तो तालीम खत्म करवाओ ना, और मासियों को भी छुट्टी दे दो, बेटियों से ही घर के काम कराओ, और हाँ जितनी जल्दी हो सके उनका रिश्ता तय करो और यहां से फारिग करो। मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर लिया। आपकी मर्जी है, आप जितना चाहें खर्चा कम करते, बेटियों की पढ़ाई पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। बड़ी मेहरबानी, अब यहीं बैठी रहोगी या नाश्ता भी दोगी? हाँ फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लाता हूँ। सड़ी हुई रोटी ना देना। हाँ डार्लिंग, कहो। हेलो आजीशान, क्या हाल चाल है? फैसल यार, फैसल शान, सब खैरियत तो है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? या तू फौरन लाहौर आ सकता है? क्या लाहौर, सब खैरियत तो है, बताओ तो सही। यार फैसल, खाला अचानक बेहोश हो गई थी, मैं और मामा उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। क्या मां को हॉस्पिटल लेके गए? बट हुआ क्या है, तबीयत कैसी है उनकी? यार अभी तो वो इमरजेंसी में, अभी डॉक्टर्स कुछ बताएंगे तो पता चलेगा कि उन्हें हुआ क्या है और वो क्यों बेहोश हुई थी। हाँ ठीक है, डोंट वरी, मैं पहली की फ्लाइट लेकर लाहौर आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं और जूते भी पॉलिश कर दिए हैं। और पापा मैंने आपकी गाड़ी भी ना सुबह सुबह साफ कर दी है। अच्छा है, घर के काम किया करो। नहीं पापा, मुझे सिर्फ आपका काम करना अच्छा लगता है। अब मामा आपके काम कर रही थी तो मैंने कहा कि नहीं मामा ये कपड़े मुझे दे दे, मैं पापा के कपड़े प्रेस करूंगी। मामा मुझे मना कर रही थी, कह रही थी कि नहीं उन्हें अच्छा लगता है आपके काम करना, लेकिन मैंने कहा नहीं मामा मुझे अच्छा लगता है पापा के काम करना, इसलिए मैंने खुद आपके कपड़े प्रेस किए हैं। एक बात पूछ सकता हूँ?
जी पापा। कहीं बोलने की बीमारी तो नहीं है तुम्हें? ये सारी डिटेल्स मैंने तुमसे पूछी थी। नहीं पापा। तो फिर अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, वैसे भी लेट हो रहा हूँ, चेंज करना है मुझे। जी पापा। क्या मुसीबत है भाई? सॉरी पापा। अब जाओ भी। अस्सलाम वालेकुम पापा। पापा मैंने आपको सलाम किया। सुन लिया मैंने। चुप करके नाश्ता क्यों नहीं करती हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? नहीं मामा, मेरे पीरियड्स फ्री हैं तो मैं आज नहीं जा रही। और तुम डरी सहमी की बैठी हो, नाश्ता करो। हामिद, वो अहमद ने ना आज डिनर पे हम सबको इनवाइट किया है, आप चलेंगे ना साथ? क्या चाहती हो, नौकरी छोड़ दूं? किसी को तो कमाना है ना। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा सकता। मगर आपके बगैर तो ठीक है ना मामा। पापा ने कह दिया है हम पापा के बगैर मैनेज कर सकते हैं, हम चले जाएंगे। पापा को और भी काम होता है। पापा मैं सोच रही थी कि मेरे फाइनल्स के रिजल्ट आने वाले हैं तो मैं आगे एडमिशन ले लूं। बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था। क्यों पापा? मैंने तो सोचा था कि या तो मेडिकल में एडमिशन ले लूंगी या तो एयरलाइंस ज्वाइन कर लूंगी। वैसे भी मुझे पायलट बनने का बहुत शौक है। दोनों ही प्रोफेशंस लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। क्यों पापा? दुनिया भर में तो लड़कियां इन्हीं प्रोफेशन में जाती हैं। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ। सारा क्यों बहस कर रही हो? क्यों ना करूं बहस? पापा को पता होना चाहिए कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तुम्हारे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया है, इसी से पूछ लो। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत थी सुबह सुबह बहस करने की? हामिद का रवैया मेरा हौसला नहीं तोड़ता, लेकिन एक बाप की बदगुमानी मुझे अंदर से मार देती है। क्यों करते हैं आप हमारे साथ ऐसा सलूक? हमने क्या बिगाड़ा है आखिर आपका? खामोश खामोश, मेरे साथ ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, समझे?